बहुत ज्यादा सब चलेगा सर ये लोग हम कहे इसलिए फोन किए थे अगर जनकपुर में है तो आ जाए ये हाँ वो कहे थे ये हम लोग ऑलरेडी पार्टी का निर्णय हो चुका है धनबाद की सहमति सिग्नेचर हो चुका है इसी वो तो हम लोग में था ये आपको कितना हटा तो है ये गड़बड़ा दो की स्वागत है सर हेलो संसदीय दल के नेता संसदीय दल को माननीय महोदय यस राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालको प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेतामा प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारलाई मनोनयन गरियो के लिए आवश्यक जानकारीको लागि अनुरोध छ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और फोरम नेपाल के पूर्व सहमति के अनुसार जो आज हम लोगों ने सरकार बनाने के दावा पेश कर रहे हैं ये दावा में फोरम नेपाल के संसदीय दल के नेता को आज आधिकारिक रूप से जो समर्थन किए इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वागत करना चाहता हूँ और मैं फिर एक बार अभी प्रदेश प्रमुख के समक्ष मुख्यमंत्री में नियुक्त करने का दावा मैं पेश कर रहा हूँ मैं पत्र एक बार पढ़ के माननीय प्रदेश प्रमुख जी प्रदेश नंबर 2 धनुषा धाम जनकपुर धाम धनुषा विषय मुख्यमंत्रीमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभामा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले सोही धाराको उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको प्रदेश संसदीय दलको पत्र अनुसार म लालबाबु राउतलाई नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्दछु साथै उहाँलाई संवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उहाँले आधार
सुप्रिम पाइसक्नु भएको छ, अब उहाँले मुख्यमन्त्री भोलिसम्म नियुक्त गर्नुहुनेछ र अन्य प्रक्रिया पर्सि चाहिँ अब शपथ ग्रहणको कार्यक्रम हुनेछ। अहिले नियुक्त गर्नुभएको छैन, अब नियुक्त हुने प्रक्रियामा छ। पहिलो कुरा कि यहाँका दुई नम्बर प्रदेशका जनताहरूले तपाईँ भने जस्तो स्वशासनको अनुभूति गर्नेछ, किन भन्दाखेरि उहाँ ती दुई नम्बर प्रदेशका जनताहरूको बहुमतले चुनेका र यो प्रदेशमा आन्दोलन गरेर आएका दलका प्रतिनिधिहरू आज शासन सत्तामा गइराखेका छन् र पक्कै पनि र आफ्नो शासन पाएको अनुभूति गर्छ। तपाईँ सोध्नुभयो कि कसरी चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ, मेरो प्रयास रहनेछ कि यो मुलुकमा सुशासन होस् र जुन अहिलेसम्म विभेदमा पारिएको विकास हुन नसकेको अहिले जुन तपाईँ मानवीय विकास सूचकाङ्कमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा विभिन्न चाहे शिक्षा होस् स्वास्थ्य होस् रोजगार होस् विभिन्न कारणले पछि पारिएको जुन चाहिँ यो प्रदेश रहेछ यस यहाँका जनताहरूको आर्थिकदेखि लिएर समृद्धिसम्म कसरी चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ यसको यसमा चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनेछ। प्रमुखज्यू प्रदेश नम्बर दुई जनकपुर धाम धनुषा विषय समर्थन गरिएको बारे उपयुक्त सम्बन्धमा प्रदेश नम्बर दुई को प्रदेश सभामा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले सोही धाराको उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हुँदा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संसदीय दलका नेता माननीय लालबाबु राउतलाई मुख्यमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हाम्रो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश संसदीय दलको समर्थन रहेकोले उहाँलाई संविधानको धारा 168 उपधारा 2 बमोजिम यस प्रदेशको प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नको लागि अनुरोध छ। जितेन्द्र प्रसाद सोनर संसदीय दलको नेता प्रदेश नम्बर 2 राष्ट्रिय आज हम लोगों ने संविधान के धारा 168 के 2 बमोजिम जब किसी एक पार्टी का प्रष्ट बहुमत नहीं होने के बाद दो दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के गठबंधन में प्रदेश नंबर 2 की सरकार बनाई जाए, इस पर राष्ट्रीय जनता पार्टी और प्रदेश नंबर 2 का संसदीय दल का समर्थन हम लोग संघीय समाजवादी फोरम को और प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता जो हैं लाल बाबू राउत जी उनको प्रदेश नंबर 2 के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश प्रमुख चयन करें, इसके लिए आधिकारिक पत्र पार्टी के द्वारा निर्णय किया हुआ पत्र संसदीय दल के द्वारा निर्णय किया हुआ पत्र हम लोग आज प्रस्तुत कर रहे हैं प्रदेश प्रमुख जी को और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये दोनों दल को मिलाकर के स्पष्ट बहुमत हमारे पास है और बहुमत के आधार पर हमारे गठबंधन को संघीय समाजवादी फोरम के नेता को संसदीय दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। धन्यवाद।